नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो वीडियो में स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं सोनू भाई एक जाने माने महाराष्ट्र के एक हॉर्स ट्रेडर भी बोल सकते हैं आप इनको, और काफी अच्छा कलेक्शन इस बार सोनू भाई ने सारंगखेड़ा मेले में लाया है। देखिए मतलब लगभग 30 से 40 घोड़े होंगे शायद इस दावन में, तो इनकी सारी डिटेल्स लेंगे सोनू भाई से। तो सोनू भाई सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। तो सोनू भाई आप कब आए मेले में? अभी चौथा दिन है। तो इस बार मेले में कितने घोड़े लाए हुआ? अब मेरे पास 25 नंगे। 25 घोड़े, सब नुकरे? सब नुकरे, दो पंच कल्याण है, बाकी सब नुकरे। नुकरों का स्टॉक काफी लाते हो शायद आप? हाँ। जो इस बार दिख भी रहे। अभी काम ही वही चल रहा है, जो सबसे ज्यादा डिमांड नुकरे घोड़ों की होती है, नुकरे घोड़ों को सारंगखेड़ा में। तो सोनू भाई, तो अभी हमारे सामने जो घोड़ा है इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, इसका नाम वगैरह क्या है? इसका नाम कृष्णा है। कृष्णा, हाँ जी। जय मंगल है जी। देवमन, कंठमन, बाल भौरी, सब बातों का क्लियर है। जो इधर ज्यादा देखी जाती है। हाँ, ज्यादातर देखी जाती, सब बातों का क्लियर है जी। और ब्रीड कौन सी बोलेंगे हम इसी? अब देखिए, ये काठी प्लस मारवाड़ है। काठी प्लस मारवाड़ी, हाँ जी। बहुत छोटे छोटे कान है इसके। एक आध बार किसी का घोड़ा अगर फेल हो जाए जी, तो उसने अगर मेरे को कहा कि ये काम नहीं कर रहा है, नहीं कर, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई वो घोड़ा भर के लाओ, दूसरा घोड़ा ले जाओ, लेकिन जैसा माल है वैसा मोल लगेगा। उसी हिसाब से उनको तसल्ली मिल जाती है कि नहीं भाई, हम किसी भी तरह फंसे नहीं है। सोनू भाई आपने जो बात बताई, हर कोई व्यापारी बोलता नहीं है कि घोड़ा वापस मैं लूंगा। हाँ। फर्स्ट टाइम शायद मेरे वीडियो में भी किसी ने बताया है, ये बहुत बड़ी बात है कि वापस कर रहे हो तो मैं ले लूंगा वापस। हाँ हाँ। ये गारंटी, उसके पलटे में उसको दूसरा घोड़ा लेना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन उसको दिल को तसल्ली ये रहती है कि नहीं भाई, मेरे पैसे सेफ है, मतलब रिस्क नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो सोनू भाई अगर बात करें हम इसकी प्राइस की, तो आप क्या डिमांड करते हो? प्राइस तो देखो मंडी के हिसाब से चलेगा जी। बिल्कुल जी, तो सब घोड़ों की प्राइस तो आप मंडी कैसी है, गर्म माल है या ठंडा है, ये तो अभी दो दिन बाद ही पता चलेगा। फिर भी एक आप एवरेज बता दो लोगों की। एवरेज देखो, मेरे पास तो 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक के, यहाँ तक का आपका स्टॉक जी। अभी इसके बीच में आप समझ सकते हो जैसे आपके पॉकेट वैसा। ठीक है, तो अगर लोगों आप में से अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो आप इनका कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में। तो सोनू भाई हम आते हैं हमारे अगले घोड़े के ऊपर, और ये जो घोड़ा हमने आगे देखा ये भी नाच काम का सबका चालू है, ये भी बग्गी का चालू है, राइडिंग का भी जी, राइडिंग का भी चालू है, शादी ब्याह बारात सब बातों का क्लियर है। और हाइट क्या होगी उसकी? हाइट उसकी है 61+। 61+ जी। और ये जो घोड़ा है इसका थोड़ा, ये इसका नाम है राधे। राधे, हाँ, ये भी 61+ है जी जी। प्योर गुलाबी नुकरा है, और देवमन, बाल भौरी सब बातों का क्लियर है, शादी बारात का भी बिल्कुल। और हाइट क्या है इसकी? हाइट 61+। 61+, इसकी भी प्राइस आप कांटेक्ट करके। हाँ, कांटेक्ट करके। बाल भौरी का क्लियर? हाँ, सब सब बातों का, देवमन, कंठमन, बाल भौरी सब बातों। और सब आप नर घोड़े लाया? सब नर घोड़े लाया, मादी बिक गई थी। बिक गई जी, मादी ज्यादातर कमी रहती है, कमी रहती। हाँ, और महाराष्ट्र में शायद जो किसान लोग रहते हैं वो ज्यादा नर ही खरीदते हैं, मादी खरीदते भी नहीं, कम खरीदते हैं जी। बिल्कुल, तो सोनू भाई ये घोड़ा, इसकी हाइट भी काफी अच्छी लग रही है। हाँ, ये भी घोड़ा अच्छा है, और एटीट्यूड का भी अच्छा है। हाँ, पूरा गुलाबी नुकरा है जी जी जी। हाँ, और शादी ब्याह बारात और बग्गी का भी चालू है। और इसकी क्या डिमांड करते हो आप प्राइस की? प्राइस तो मैंने कहा आपको, मंडी के हिसाब से तो प्राइस लगेगी। इसके बारे में बता दीजिए। ये भी गुलाबी नुकरा है जी जी। ये भी घोड़ा बहुत अच्छा है, डांसिंग वाला है प्लस, ये भी डांसर है। हाँ, डांसिंग भी, और गाड़ी का भी चालू है, गाड़ी का भी चालू है। हाँ जी, और हाइट क्या होगी इसकी? हाइट है इसकी 16+। 16+। तो सोनू भाई जैसे अभी अगर हमारे चैनल के कोई और से अगर आएगा तो आप उसको कुछ डिस्काउंट भी देंगे या ऐसा कुछ? डिस्काउंट मतलब? मतलब थोड़ा बहुत कम, नेगोशिएबल प्राइस के अंदर। आप खरीद रहे होंगे तो मैं जितने में लाया हूँ उतने रुपए में आपको दे दूंगा। नहीं नहीं, मतलब अगर हमारे वीडियो देख के अगर आपको कोई बोलता है तो आप उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी। हाँ, तो फिर वो तो हो ही जाता है, सौदे में बैठने के बाद तो आगे। अगर आप इसे खरीदना है तो आप जरूर आइए सोनू भाई को मिलिए मेले में, और मेले में भी आइए, और ये काफी अच्छे रीजनेबल प्राइस में आपको घोड़े मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दाम भी नहीं बोलते, और अच्छे ट्रेडर भी, और गारंटी भी देते जैसे हमने आगे वीडियो में बताया। तो सोनू भाई इस घोड़े के बारे में भी डिटेल बताइए। ये चार दांत बच्चा है। चार लाख बच्चा? हाँ। तो उम्र कितनी आएगी मतलब महीने में इसकी? चार साल। चार साल जी, बराबर। हाँ, ये भी बग्गी का चालू है, देवमन, बाल भौरी का है, बिल्कुल साफ। राइडिंग का भी क्लियर? राइडिंग का भी क्लियर है। और शादी ब्याह का? शादी ब्याह का भी। नाच काम भी करता हूँ? नाच काम, हाँ, मैंने कहा ना आपसे, मैंने जिस घोड़े को पकड़ लिया उसको नाचना है। और उसकी हाइट क्या बताया आपने? इसकी 61। 61 जी। और ये कौन सा कलर है सोनू भाई? ये भूरा संजाब बोलते हैं हमारे तरफ, और काफी यूनिक है। हाँ, यूनिक कलर है, ये बदल जाएगा,
इसके दूध के बाल है, उम्र भी कम है शायद। हाँ, ये अभी ऊना बच्चा है, मतलब दूध दांत है, दूध के दांत है। हाँ, मिल्क टीथ में अभी। मिल्क मिल्क टीथ में। तो क्या कितने मंथ्स का होगा ये अभी? ये अभी 18 महीने का है। अरे वाह, काफी अच्छा हाइट लेगा फिर। 18 महीने में इसकी हाइट 61+ है। मतलब बोल सकते कि आपने जितने भी घोड़े लाए उनमें सबसे ज्यादा हाइट यही करेगा। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया करेगा, बढ़िया। और कट कंडीशन भी अच्छी है, बाल भौरी का क्लियर है, देवमन बाल भौरी सब बातों का क्लियर है। छोटा इसलिए अभी राइडिंग तो स्टार्ट नहीं किया। नहीं, राइडिंग नहीं करी, लेकिन डांस वांस डाल दिया उसने। जी बिल्कुल, चलो। और ये भी वही कलर है शायद? ये भी वही कलर है, ये भी घोड़ा अच्छा है, बग्गी का चालू है, बिल्कुल देवमन बाल भौरी सब बातों का क्लियर है जी। और इसकी हाइट कितनी आएगी? ये आएगा 61 बाल भौरी का भी क्लियर। हाँ, बाल भौरी का भी क्लियर है। राइडिंग रेवाल चाल भी अच्छी चलता है, चाल चलता है। हाँ, बहुत सिंगल फुट गेट जिसको बोलते हैं। और ये संजाब है? ये संजाब, मक्की संजाब। मक्की संजाब, हाँ। ये 62 नाप है, बड़ा घोड़ा है। 62, हाँ जी बिल्कुल। और थोड़ा सा हेल्थ में डाउन है, लेकिन बन जाएगा। देखो, हेल्थ डाउन रहे चलेगा, चलेगा, लेकिन घोड़ा काम करने वाला होना चाहिए। बराबर, एटीट्यूड भी तो चाहिए। एटीट्यूड अच्छा है घोड़े का। इसकी क्या हाइट है? इसकी 62। और कट कंडीशन बिल्कुल अच्छी है, बाल बहुत अच्छी है। और ये प्योर शादी बारात वालों के लिए एकदम, 5 साल के लड़के को भी भेज दिया तो। फाइन घोड़ा है, मतलब सीखा हुआ है। हाँ, प्रॉपर पूरा फाइन है, फाइन। और इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। इसकी कंडीशन थोड़ी ज्यादा ही वीक लग रही है। हाँ, ये वीक है, लेकिन ये बग्गी का मास्टर है। मास्टर है, मास्टर है। बग्गी में कोई भी घोड़ा जोड़ दो इसके साथ, शांत भी होगा। टेम्परामेंट का बहुत शांत है जी। और पूरा नुकरा है शायद? पूरा नुकरा है। तो इसके इतने हालत कमजोर होने का क्या कारण? वो तो सामने वाले पे, वो लोग खिलाते नहीं, लेकिन अपने यहां आने के बाद अच्छे हो जाते जी। और अगर कोई अच्छा ओनर आ तो इसको थोड़े कम प्राइस में लेके जाके बना सकते हैं। कम प्राइस में मिलेगा, लेकिन अच्छे खिलाने वाले को दूंगा जी, बिल्कुल, क्योंकि वो उसको दुआ देगा और मेरे को भी देगा। बराबर है, बराबर। और उसकी हाइट क्या बताया आपने? इसकी 61 है। 61। और ये भी बच्चा है शायद, या पूरा घोड़ा है? ये 4.5 साल का है। 4.5 साल का। और ये नुकरा ही है? ये भी नुकरा है जी। और हाइट क्या आएगी इसकी? हाइट आएगी इसकी 60 जी, बिल्कुल। और ये भी शादी ब्याह? शादी ब्याह बारात बग्गी का सब सबका रेडी है। और सोनू भाई, एक आपको एक बात भी पूछनी थी। मतलब अभी कोई पूरा बग्गी का सेटअप खरीदता है नया जी, तो एक साथ वो कभी कभी दो पेयर में भी घोड़े खरीदे, मतलब एक साथ दो घोड़े खरीदेंगे? दो नहीं, तीन लेके गए। तीन, हाँ। क्योंकि एक स्टेप नहीं लेके जाते हैं। बिल्कुल, कि भाई एक आध बार अगर कोई घोड़े की तबीयत खराब हो जाती है तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाला जो घोड़ा रहता है वो उसमें लगा देते हैं। तो अगर वैसा अगर आपसे किसी ने खरीदा, मतलब तीन घोड़े खरीदते, तो काफी ज्यादा अमाउंट भी हो जाती है। पिछले साल को मेरे एक दोस्त है भावड़ो दादा बोल के, यहाँ के अजंदे, बेटा और अजंदे के, उन्होंने एक साथ, मैं गाड़ी में घोड़े भरता था और वो नीचे उतारते थे, अरे एक साथ तीन घोड़े खरीदे। एक साथ तीन घोड़े, मतलब अगर आपसे किसी ने एक साथ इतना स्टॉक लिया तो आप थोड़ा प्राइस में और कम? हाँ, तो कम तो हो जाता है, लेकिन कैसा रहता है कि ये आदमी इतनी अगर हिम्मत दिखा रहा है जी, बिल्कुल, तो वो आदमी को आगे ले जाने का काम अपना भी जी, मतलब उतना नेगोशिएशन भी होना चाहिए। हाँ, प्राइस हाँ, के अंदर। अच्छा, तो इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। ये देखो, ये घोड़ा है 60 नाप है जी, ये बग्गी का बहुत मास्टर है। बग्गी का? हाँ, बराबर। इसकी भी प्राइस आप फोन पे बता दो। हाँ, फोन पे। ये भी बाल भौरी का क्लियर? बाल भौरी का, देवमन बाल भौरी सब का क्लियर। 4 साल। 4 साल। तो सोनू भाई, ये भी घोड़ा या घोड़ी है? ये घोड़ा है, दूध दांत है, मिल्क टीथ में बच्चा ही अभी मिल्क जी, बच्चा है। और वो काफी हाइट भी रहेगा शायद? हाँ, बहुत बढ़िया हाइट करेगा बच्चा। इसमें काम बहुत अच्छे आ रहे हैं, आइटम बहुत अच्छे कर रहे हैं, 7-8 आइटम करने लगे। इसकी उम्र क्या बताया आपने? ये खाली 13 महीने का बच्चा। 13 महीने का जी, चौकड़ी में खड़ा अभी। अरे वाह, चौकड़ी में ही? हाँ, चौकड़ी में ही खड़ा है, मिल्क टीथ। हाँ, और सब बातों का क्लियर है, देवमन कंठमन बाल भौरी सब, नाच काम वाच काम एकदम सही कर रहा है। आपकी सबसे कितने हाइट ले लेगा फिर भी? ये कम से कम 63 से ऊपर जाएगा। 63+? हाँ, उससे नीचे नहीं? हाँ, उससे नीचे तो नहीं जाएगा। और बाकी गारंटी का तो सुनो, अब गारंटी का तो टेंशन ही नहीं। और ये घोड़ा तो शायद थोड़ा काठियावाड़ी मिक्स है? हाँ, ये काठियावाड़, प्योर काठियावाड़ है। प्योर काठियावाड़? हाँ, प्योर काठियावाड़। ये थोड़ा इसका निकाल दे, मतलब हमारे व्यूवर्स को भी पता काठियावाड़ किसको बोलते हैं जी। ये कर होता है शायद इनके? हाँ, ये जो कट होते हैं ना कान के, ये ऐसे पूरे जुड़ के बाहर आते हैं ना जी, जी जी, पीछे से भी जुड़ते हैं और आगे से भी। कुंडिया ज्यादा होती है? हाँ, कुंडिया ज्यादा रहती है और दोनों तरफ से जॉइंट कर लेते हैं। और फेस थोड़ा बड़ा होता है? हाँ, फेस थोड़ा बड़ा रहता है, छोटा रहता है। और इसकी हाइट क्या होगी? ये 59 नाप है। और काफी स्ट्रांग भी होगा? स्ट्रांग भी है और नाच काम वाच काम तो बाप रे बाप, बिल्कुल परफेक्ट, खतरनाक डांस करता है जी।
और ये भी बग्गी और शादी बग्गी में चालू है। तो सोनू भाई ये जो ये घोड़ा या बच्चा है ये भी? नहीं ये घोड़ा है, ये 4.5 साल का है। 4.5 साल? हाँ संजाब। संजाब बिल्कुल। और इसकी उम्र क्या आएगी? 4.5 साल का। 4.5 साल। और हाइट? हाइट ये है 60। 60 हटो पीछे, ये 60 है। और बाल भौरी का क्लियर है? बाल भौरी का बिल्कुल साफ है। नाच काम बग्गी सब चालू? नाच काम भी चालू है, बग्गी का भी चालू। बग्गी का भी बेने बारा। तो आप ये जो बोल रहे हो नाच काम बग्गी चालू, आपने मतलब पर्सनल इनको सबको मतलब बग्गी में ट्रेन किया या ऑलरेडी ट्रेन होते? बाकी ऑलरेडी ट्रेन थे, बाकी तो करना पड़ता है ट्रेन जी। और एक यूनिक कलर है अबलक का, और आपने आगे तो सब नुकरे ही दिखाए, एक अबलक कलर में। हाँ ये नीली आंख वाला जयमंगल, नीली आंख वाला जयमंगल। इसका एटीट्यूड अलग रहता है, अलग रहता है। और गर्म भी होगा ये थोड़ा? नहीं घोड़ा दिमाग टेम्परामेंट का बहुत शांत है, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। राइडिंग का चालू? राइडिंग का भी चालू है और बेने बारात का भी चालू है। हाइट क्या होगी? और इसकी हाइट है इसकी 60। 60 इंच? हाँ जी। और बाल भौरी का? बाल भौरी का एकदम सफा है। ये खुला अबलक या बंद अबलक? ये खुला अबलक। खुला अबलक? हाँ जी बिल्कुल। खुला अबलक जिसके अंदर व्हाइट कलर ज्यादा होता है उसको? व्हाइट कलर ज्यादा रहता है, और जो मुंह का ये हिस्सा रहता है जी वो व्हाइट होता है, खुला होना चाहिए। और पिछला जो पुट्टा होता है वो भी खुला होना चाहिए, तो और कम कलर रहता है। और इसको हम बंद अबलक बोल सकते हैं? नहीं ये भी खुला है, इसका भी पुट्टा खुला है। और आगे का भी ब्लेज है प्रॉपर जी। और ये कौन से ब्रीड का आएगा? ये मारवाड़ी मिक्स है। हाँ जी बिल्कुल। और इसकी हाइट क्या होगी? ये आएगा 62 नाप। 62 नाप का ये घोड़ा, रेवाल चाल का घोड़ा है, बहुत चलता है। फिर भी कितनी स्पीड पकड़ लेता है रेवाल चाल? ये कम से कम 33 तक काफी स्पीड हो गई फिर। हाँ। भी जी बिल्कुल। और इनकी भी प्राइस जैसे बताया पिंटू सोनू भैया ने कि वीडियो में नंबर प्राइस तो देखिए, अब सामने सौदे में बैठने के बाद हो जाता है आगे पीछे। नहीं फिर भी कैसे व्यूअर्स को प्राइस जानने की ज्यादा एक्साइटमेंट होती है दर्शकों को? हाँ नहीं प्राइस जान के कैसा रहता है जी बिल्कुल, कि कोई लेने वाला डिपेंड करता है वो बायर डिपेंड करता है। और ये भी बच्चा है क्या? बच्ची? हाँ ये बच्चा है। बच्चा है? हाँ संजाबी। हाँ ये जोड़ी की जोड़ी है गाड़ी, जोड़ी की जोड़ी जी बिल्कुल। हाँ ये दोनों 58 नाप है। 58 नाप है। हाँ। ये उम्र क्या आएंगी दोनों की? दोनों 4-4 साल के हैं। 4-4 साल मतलब इनकी हाइट नहीं बढ़ेगी अभी? नहीं हाँ बढ़ेगी हाइट तो, एक डेढ़ इंच। हाँ एक इंच हाइट बढ़ेगी, लेकिन घोड़े गाड़ी के बहुत सीनियर है, ऊपर से आंक लो जी बिल्कुल। ऊपर से जैसे बैलगाड़ी आते है वैसे कम्प्लीट है मतलब? हाँ कम्प्लीट है। और ये आखिरी में ये घोड़े के बारे में बताइए। घोड़ा घोड़ा लेके गए बाहर जी? कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी काफी स्टॉक है आपके पास, इतना ही व्यूअर देखते देखते ही हो जाएंगे। तो इस घोड़े के बारे में बताइए। पंचकल्याण? पंचकल्याण, पंचकल्याण की भी काफी डिमांड होती है जी। पंचकल्याण है जी बिल्कुल, पंचकल्याण। और इसकी मतलब उम्र क्या होगी अभी? ये 5 साल का है। 5 साल का? हाँ। और मारवाड़ी बोल सकते हैं इसको? हाँ प्योर मारवाड़ी और काठियावाड़ी मिक्स है दोनों। और कलर कौन सा आएगा इसका? कलर आएगा इसका कुम्मेद। कुम्मेद जी। और पंचकल्याण काफी शुभ भी होता है, और इधर हाँ जी शुभ मानते हैं। इसके प्राइस बता सकता हूँ? इसकी बता दीजिए प्राइस आखिर में बताए आपने। इसकी 35,000 रूपए बोल रहा हूँ, उसमें कम ज्यादा कर लेंगे। देखिए सोनू भाई ने वैसे 50,000 की मिनिमम डिमांड रखी थी, लेकिन आपके लिए थोड़ा डिस्काउंट है, 35,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो सोनू भाई इसके अंदर भी कोई कम ज्यादा हो गया फिक्स ही? हाँ कर लेंगे, कर लेंगे जी बिल्कुल। अगर हमारी चैनल के कोई और से आएगा तो आप उसको और थोड़ा कम में दोगे हम आशा कर दें। तो सोनू भाई थैंक यू फॉर द वीडियो, और मतलब आपका एक बार हमारे व्यूअर्स को कांटेक्ट नंबर दे दीजिए जिससे वो आपको कांटेक्ट कर सके जी। 9890907065581। दोस्तों ये था सोनू भाई के सभी घोड़े आपने इस वीडियो में देखे, और ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, प्राइस पूछिए, और सब आपको जो भी घोड़े की डिटेल्स है आप पूछ सकते हैं। और काफी अच्छे घोड़े रखते हैं और काफी गारंटी भी ये देते हैं। शायद मुझे लगता है महाराष्ट्र के एक अच्छे नामचीन ट्रेडरों में से एक सोनू भैया का नाम आता है।